हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं आपका करियर कोच ललित भदौरिया। फ्रेंड्स, दुबई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की एक लीडिंग सेमी गवर्नमेंट कंपनी की मल्टीपल ओपनिंग्स हैं हमारे पास। दिल्ली और देहरादून में हम क्लाइंट इंटरव्यूज ऑर्गेनाइज करवाने जा रहे हैं। हमेशा की तरह एम्प्लॉयमेंट वीज़ा रहेगा। मल्टीपल डेजिग्नेशंस हैं दोस्तों, और काफ़ी बल्क में वैकेंसीज हैं। एक अनस्किल्ड वर्कर, मतलब क्लीनर से लेकर होटल स्टाफ हो, कुक्स हों, वेटर्स हों, एयरपोर्ट का स्टाफ हो, ड्राइवर्स हों, मतलब मल्टीपल ओपनिंग्स हैं। और अच्छी बात यह है कि यहाँ पर फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर मेल्स और फीमेल्स दोनों ही तरह के लोग अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप पूरे ब्लॉग को पहले ढंग से देख लें, फिर डिस्क्रिप्शन को एक बार गो थ्रू कर लें। डिस्क्रिप्शन के अंदर जो हमने मेंशन किया है कि किस पोजीशन के लिए कितना सैलरी आपको इनिशियली ऑफर हो रहा है, सभी वैकेंसीज़ में कुछ चीज़ें कॉमन है जो आपको समझनी है। नंबर वन, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है। नंबर टू, वर्क लोकेशन दुबई यूनाइटेड अरब एमिरेट है। आपका एम्प्लॉयर जो है दुबई यूनाइटेड अरब एमिरेट का एक सेमी गवर्नमेंट कंपनी है। 2 ईयर्स एक्सटेंडेबल एम्प्लॉयमेंट वीज़ा आपको रहेगा। आपको अच्छी तरह से पता होगा दोस्तों कि दुबई की जो स्पेशली गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं, उनका एम्प्लॉयमेंट वीज़ा या तो 2 साल का होता है या कई बार 3 साल का होता है, लेकिन ये हमेशा एक्सटेंडेबल होता है। यानी कि अगर आप आगे भी काम करना चाहते हैं तो वो ऑटोमेटिकली रिन्यू होता रहता है दोस्तों, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। दुबई का आमतौर पर नॉर्मल मेडिकल होता है। दुबई में लैंड करने के बाद आपका एक और मेडिकल होता है और आपका एमिरेट आईडी बन जाता है और आपका डिप्लॉयमेंट हो जाता है, आप काम करने लग जाते हैं। ये तो था एक बैकग्राउंड। किन लोकेशंस पर इंटरव्यू होगा दोस्तों? दिल्ली में आपको हमारे ऑफिस का एड्रेस अच्छी तरह से पता ही है, F3 सेकेंड फ्लोर, कालका जी, न्यू दिल्ली, राइट। और जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन पड़ता है दोस्तों, आपको हमेशा मैं बताता हूँ, नेहरू एनक्लेव, एग्जिट नंबर 4 या 5। आप नेहरू एनक्लेव के गेट नंबर 4 या 5 से बाहर निकलें, मुश्किल से 700 से 800 मीटर आपको वॉक करना पड़ेगा और हमारा ऑफिस जो है आपको मिल जाएगा। बहुत ही आसान है हमारे ऑफिस पहुँचना, स्पेशली दिल्ली ऑफिस पहुँचना, ठीक है। नेहरू प्लेस के पास में ये जगह पड़ती है कालका जी, वहाँ पर ही हमारा ऑफिस है। लेकिन मेट्रो स्टेशन का आपको ध्यान रखना है, कई बार लोग जो है कालका जी मेट्रो स्टेशन पर उतर जाते हैं, तो ध्यान रखना है कि जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है वो नेहरू एनक्लेव है दोस्तों। एनीवेज, इसके अलावा देहरादून के अंदर जो हम लोग अपना इंटरव्यू रखते हैं दोस्तों, वो आमतौर पर अपने ट्रेनिंग सेंटर पर रखते हैं, जो कि है DAV कॉलेज के पास, 17 DAV रोड, करणपुर। ये बहुत सारे लोगों को अच्छी तरह से पता होगा क्योंकि इस जगह पर जो है पिछले 12 से 14 साल हो गए हैं, हमारा ट्रेनिंग सेंटर पहले से यहाँ पर है। तो देहरादून और दिल्ली दोनों ही जगहों पर जो है इस इंटरव्यू को ऑर्गेनाइज किया जाएगा। एग्जैक्ट डेट टाइम जानने के लिए आप वर्किंग आवर्स में हमारी टीम को कॉल कर लें। वैकेंसीज में डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रहा हूं, लेकिन एक बार आप लोगों के लिए जो है मैं रीड आउट भी कर देता हूं दोस्तों। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था, यहां पर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, डिफरेंट डेजिग्नेशन हैं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रोफाइल्स हैं जो कि करियर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत यूनिक हैं अपने आप में, तो मैं आपको बता दूं। देखिए, हमें सिक्योरिटी स्टाफ चाहिए। सेमी गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं दुबई के अंदर, सीरा के अंडर उनको जो है लाइसेंस मिलता है, प्रॉपर दुबई पुलिस के अंडर ट्रेनिंग मिलती है, वर्ल्ड राउंड सर्टिफिकेट्स मिलते हैं, सैलरी भी कम से कम 2260 धिरम यहाँ पर मिलता है, 26 दिन 11 घंटे ड्यूटी, 1 घंटे का ब्रेक होता है, अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, मेडिकल इंश्योरेंस फ्री होता है। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी रहती है दोस्तों। अर्निंग ठीक ठाक हो जाती है, प्लस आपको ग्रोथ मिल जाती है। ये इनिशियल सैलरीज मैंने आपको बताई। तो सिक्योरिटी के लिए, मेल्स फीमेल्स के लिए हमारे पास वैकेंसीज हैं। इसके अलावा एयरपोर्ट पर कुछ और डेजिग्नेशन हैं दोस्तों जिनके लिए हमारे पास वैकेंसीज हैं, जैसे कि हमें स्पेशल हैंडलिंग एजेंट चाहिए होते हैं। स्पेशल हैंडलिंग एजेंट्स का जो काम होता है जस्ट लाइक कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव होता है दोस्तों। इसके अलावा एविएशन लोडर्स, कार्गो लोडर्स, वेयरहाउस वर्कर्स, क्लीनर्स, हॉस्पिटैलिटी के लिए हाउसकीपिंग स्टाफ, किचन हेल्पर्स, वेटर्स, कुक्स, स्पेशली कॉमीज हमें चाहिए होते हैं दोस्तों, तो ये सभी डेजिग्नेशंस हैं। जनरल असिस्टेंट्स हमें चाहिए होते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के पहले से ही ड्राइविंग लाइसेंसेस हैं, प्लीज़ नोट करें, हैवी बस ड्राइवर्स, फॉकलिफ्ट ऑपरेटर्स और शॉफर ड्राइवर्स, हमें कार ड्राइवर्स भी चाहिए दोस्तों। लेकिन हम उन्हीं कैंडिडेट्स को बुला रहे हैं इन इंटरव्यूज़ के लिए जिनके पास पहले से ही दुबई का 3 नंबर लाइसेंस बना हुआ है। एंड सेम गोज़ फॉर हैवी बस ड्राइवर और फॉकलिफ्ट ऑपरेटर्स, यानी कि हैवी बस ड्राइवर और फॉकलिफ्ट ऑपरेटर का भी पहले से ही आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, भले ही वो वैलिड हो या एक्सपायर्ड हो कोई बात नहीं, लेकिन आपके पास पहले से ही लाइसेंस बना हुआ होना चाहिए एंड नेचुरली थोड़ा एक्सपीरियंस भी आपके पास होना चाहिए दोस्तों। तो ये थे सभी पोजिशंस दोस्तों जिनका इंटरव्यू हम लोग होस्ट करने जा रहे हैं। दोस्तों, इन सभी डेजिग्नेशंस
के लिए क्या क्राइटेरिया है और किन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है, इन सभी डिटेल्स को जानने के लिए हमेशा की तरह मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वर्किंग आवर्स यानी कि सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे के बीच में सोमवार से शनिवार तक आप हमारी टीम को कॉल करें। अधिकतर डेजिग्नेशंस के लिए हम लोग ऑनलाइन पहले स्क्रीनिंग कर रहे हैं, मैं आपसे खुद बात करूंगा या हमारी टीम से कोई एडवाइज़र आपसे बात करेगा, वो आपको सभी कुछ बता देंगे कि सर ये स्टेप्स रहेंगे, इस तरीके से सिलेक्शन होगा, ये आपसे पूछा जा सकता है, इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है, जिससे कि जब आप इतनी दूर से ट्रैवल करके आएंगे तो इस चीज़ को सुनिश्चित किया जा सके, इस चीज़ को इंश्योर किया जा सके कि आपका सिलेक्शन हो। ठीक है दोस्तों, और कुछ डेजिग्नेशंस के लिए जो है हम लोग ऑनलाइन क्लासेस भी आपको देंगे, आपकी थोड़ी तैयारी भी करा देंगे, जिससे कि आपको जो है फर्स्ट अटेम्प्ट में ही कामयाबी मिल जाए। दोस्तों इस तरीके से आप लोग साथ बने रहें। गल्फ के बहुत सारे देशों की वैकेंसीज हमारे पास चल रही हैं दोस्तों, साथ ही साथ यूरोप की बहुत सारी वैकेंसी चल रही हैं, डिफरेंट कंट्रीज डिफरेंट डेजिग्नेशंस के लिए हम लोग जो है हायरिंग कर रहे हैं, हमेशा वैकेंसी शेयर करते रहते हैं। व्हाट्सएप पर हमारा ऑफिशियल चैनल है दोस्तों, जिसका लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहे हैं, प्लीज़ आप उसको ज़रा फॉलो कर लें हमें वहाँ पर। टेलीग्राम पर हमारा ऑफिशियल चैनल है, आप वहाँ पर हमें फॉलो कर लें, क्योंकि टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल की स्पेशलिटी क्या है कि एक एक नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर आ जाता है और आप जो है अपडेटेड रहते हैं। क्योंकि यूट्यूब के साथ थोड़ा सा एक प्रॉब्लम क्या होता है कि हर किसी ने जो है मल्टीपल चैनल्स को सब्सक्राइब किया हुआ होता है, तो हमेशा अपडेट्स आपको मिल नहीं पाते हैं दोस्तों, आपको सर्च करना पड़ता होगा कि लेटेस्ट वीडियो क्या आया सर का, राइट। तो उम्मीद करता हूँ मेरी एडवाइस को सीरियसली लेंगे और करियर से रिलेटेड जो भी इन्फो है उसको देखते रहेंगे। प्लीज़ इस ब्लॉग को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। अगर आप एक फ्रेशर हैं दोस्तों, मैं बार बार इस बात को बोलता हूँ, अगर आप एक फ्रेश कैंडिडेट हैं जो कि पहली बार गल्फ जा रहा है या फिर जिसने भारत में किसी और डिपार्टमेंट किसी और सेक्टर में काम किया है, आप तब भी हमें कंसल्ट कर सकते हैं। हमारे पास बहुत सारी कंपनीज़ ऐसी हैं जो कि पोटेंशियल कैंडिडेट्स को हायर करती हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए आप सिर्फ 10th पास हैं या 12th पास हैं, लेकिन आपकी अच्छी पर्सनैलिटी है, यू आर अ कॉन्फिडेंट पर्सन और आपके अंदर पोटेंशियल, आपको ग्रूम किया जा सकता है। ट्रस्ट मी, आपको एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पर ही भारत से ले जाया जाएगा और अच्छी ब्रांड्स के साथ डिप्लॉय किया जाएगा। तो ये सिर्फ एक एग्जांपल था दोस्तों, इसके अलावा बहुत सारे वैकेंसीज होती हैं, अच्छी अच्छी वैकेंसीज होती हैं, लेकिन ये सभी कुछ आपको हम तभी बता पाएंगे जब आप वर्किंग आवर्स में हमारी टीम को कंसल्ट करेंगे। आप उनसे पूछेंगे कि मैडम मेरे लिए क्या क्या ऑप्शंस हैं, सर जरा गाइड करिए, और आप उनसे पूछ सकते हैं कि अप्रोक्स टाइम कितना लगता है, अप्रोक्स एक्सपेंडिचर कितना आता है, लगभग अर्निंग कितनी होगी, हर एक बात आपको बताई जाएगी। और हमेशा मैं आपको बोलता हूँ कि दोस्तों जब भी आप विदेश जाएं, जेन्युइन एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पर जाएं, वर्क वीज़ा पर ही माइग्रेट करें, एक रजिस्टर्ड एजेंसी के थ्रू माइग्रेट करें। अप्लाई करने से पहले अपने कंसल्टेंट के बारे में जो है भली भांति जांच परख कर लें, और सबसे आसान जो तरीका है दोस्तों, आप ये देख लें कि क्या वह कंसल्टेंट विदेश मंत्रालय भारत सरकार से लाइसेंस्ड है, क्या उनके पास विदेश भेजने का लाइसेंस है। यदि आप इस चीज़ को सुनिश्चित करते हैं तो 99% जो है आपके बाकी के काम जो है आसान हो जाएंगे और आप किसी भी समस्या से बच जाएंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।